अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं मूंग मसूर की दाल। इसमें जाएंगी ये सब अशिया। ये मूंग और मसूर की दाल है, ये मैंने मिक्स करके ली है। एक एक कप, आधा आधा कप, ये टोटल एक कप है। आधा कप मूंग, आधा कप मसूर। इसमें जाएगा, मसालों में बताती हूँ, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, नमक हसबे जरूरत, गरम मसाला हाफ टी स्पून, और एक टमाटर में डालूंगी चॉप करके। बघार के लिए हमें तेल चाहिए, हसबे जरूरत लीजिएगा आप। बघार में मैं प्याज डालूंगी, लहसुन डालूंगी, और बघार में ये लाल मिर्ची डालेंगी तीन, सफेद जीरा हाफ टेबल स्पून, ये मस्टर्ड सीड है थोड़ी सी, और करी पत्ता, ये मैं बघार में डालूंगी, और लहसुन और प्याज भी मैं बघार में डालूंगी। हरी मिर्च और हरा धनिया मैं ऊपर से डालूंगी, हरा धनिया मैं निकालूंगी, फ्रोजन होता है, तो इसमें ये सब चीजें जाएंगी। और कसूरी मेथी या आप डालना चाहते हैं तो डालें, ये ऑप्शनल है, और मैं डालूंगी इसमें। ये मैंने यहाँ दाल चढ़ा दी है, और दाल के साथ साथ मैं डालूंगी मसाले, ये जो मैंने दिखाए थे आपको। ये मैंने चढ़ा दी थी दाल, इसमें मैंने 1 से 1.5 कप मैंने पानी डाला था, और इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं टमाटर मैंने चॉप करके वो इसमें डाल दूंगी, और इसको अभी तेज आंच पे ही पकाऊंगी, क्योंकि मैंने टमाटर डाला है। थोड़ा सा तेज आंच पे पकाऊंगी, फिर मैं ढक के इसको दरमियानी आंच पे पकाऊंगी कि दाल भी गल जाए और टमाटर भी मिक्स हो जाए। तो अभी हम वेट करते हैं। ये देखिए जी, बॉयल आ गया इसमें। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी दरमियानी आंच पे। देखिए जी, हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखें, ये हो गई है। मैं इसे घोटूंगी, बिल्कुल नहीं घोटना। ये देखें, थोड़ा घुटा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा साबित नजर आ रही दाल। ये बहुत गाढ़ी है, मुझे इतनी गाढ़ी नहीं रखना, मुझे थोड़ा सा इसको पतला करना है। ये आपकी मर्जी है, आप गाढ़ा करना चाहें या पतला रखना चाहें। चावल के साथ खाने के लिए मुझे इसको पतला करना है थोड़ा। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला था, क्योंकि मेरे हिसाब से नमक कम था। अगर आप नमक डालना चाहें तो डाल लें, अपने हिसाब से डालिएगा। और मैं इसे बंद करूंगी, बंद करके पकाऊंगी धीमी आंच पे 5 मिनट। और अब हम इसके बघार की तैयारी करते हैं। ये ऑलमोस्ट डन है। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में तेल लिया है, उसमें थोड़ी सी प्याज डाल के, देखिए तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज डालूंगी, और ये थोड़ा सा लहसुन डाल दूंगी। थोड़ा सा गोल्डन हो जाए,
इसी में मैं मिर्ची डाल दूंगी। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता, जीरा, मस्टर्ड सीड ये सब डाल दूंगी। और ये मैंने प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी डालूंगी इसी में। टमाटर मैंने वही इसी में से थोड़ा सा बचा लिया था। अब ये मैं दाल में डाल दूंगी। दाल में डाल के मैं इसको ढक दूंगी। और यहां मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। धनिया डाल के मिक्स कर दूंगी और इसे डिश आउट करूंगी। ये देखिए जी, मैंने निकाल ली दाल और इसको दाल चावल चावल के साथ खाएं, सादे चावल के साथ, आलू की भुजिया बना लें या फिर भुना हुआ कोई स्टू बना लें, सालन बना लें कोई भुना हुआ, उसके साथ दाल चावल और भुना हुआ सालन के साथ खाएं। बहुत मजे की बनती है ये। और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो आप बनाएगा इसी स्टाइल में, बताएगा कैसा लगा। और मुझे आपके कमेंट्स और लाइक का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है। आप बताइएगा प्लीज़ कि कैसी बनी। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।